जय जवान जय किसान। दोस्तों आज हम आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर जयलाल वर्मा जी हैं जो पहले एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर थे। एक साल पहले अपनी जॉब से रिजाइन देकर इन्होंने यहाँ पर देसी पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और बटेर फार्मिंग शुरू की। इनकी लैंड होल्डिंग अच्छी है, ये 10 एकड़ जमीन के मालिक हैं। इनका ये फार्मिंग सिस्टम इतना कमाल का है कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं जयलाल वर्मा जी से और जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत दूर चलकर आज आपके फार्म पर आए हैं। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। भाइयों को नमस्कार, नाम जयलाल वर्मा, ग्राम बुड़िनी, थाना खरो और रायपुर जिला छत्तीसगढ़। कितने समय से कर रहे हैं आप अपना ये? जी इसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है ये, बर्ड पालते हुए। क्या करते थे इससे पहले? इसके साल मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में काम था जी, और उसके पहले खेती का काम था, उसके पहले किराना का भी काम था। अच्छा जी जी जी। तो क्या क्या किया हुआ आपने यहाँ पे? यहाँ पे है अपना सोनाली है और बटेर और फिश फार्मिंग, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं आप? जी जी सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जब आपने शुरू किया था जी, शुरुआत पोल्ट्री फार्मिंग से की थी जी, सोनाली पे काम? हाँ सोनाली पे किया था। कितने बर्ड से शुरू किया था? सोनाली में लाया था, 1050 नग सोनाली लाया था शुरुआत में 1050 नग सोनाली जी, 200 नग कड़कनाथ जी और 2000 नग में बटेर लाया था। अच्छा, सोनाली ब्रीड चुनने की कोई खास वजह? जी सर, सोनाली का चुनने का एक ही है कि मैं बहुत सारा सर्च किया था मार्केट में, तो सोनाली करने का रीज़न ये रहा कि पूरी भारत में सोनाली नस्ल जो है वो बिकने का आसान रास्ता है उसका, और देसी बर्ड जी, देसी बर्ड है वो। जो फुर्ती है जी जी जी, जो शाइनिंग है जी जी जी, कहते हैं कि जो इसका बेसिकली ग्रोथ है या जो अंडे देने की भी कैपेसिटी है ठीक ठाक है। बहुत बहुत बढ़िया सर जी जी। जब आपने शुरू किया डे ओल्ड चिक्स लाए थे? हाँ डे ओल्ड चिक्स लाया था सर। क्या क्या रेट में लिया जी? उस समय मुझे दिया था 30 रुपया नग, 30 रुपया नग दिया था आपका सोनाली का जी, और बटेर का दिया था मुझे 11 रुपया में। आपने छोटा चिक्स लिया जी और ब्रूडिंग करनी पड़ती जी, है जी जी। कोई परेशानी आई ब्रूडिंग में? जी सर, ब्रूडिंग में तो ऐसा है मुझे तो परेशानी नहीं आया जी, क्योंकि मैं अपने दिमाग से ये जो रखा हुआ है सेड जी, इसको मैंने पहले ही बना लिया था। अच्छा, और उसके बाद मैं खुद ही शुरुआती 3 महीने हम लोग बिना वर्कर के जी, हम खुद ही बैठ के और हमारे लड़के के साथ हम लोग बैठ के हम खुद ही 24 घंटा उसमें निगरानी में रखे, तो मोर्टेलिटी नहीं आया उसमें। तो शुरू करने से पहले आपने अच्छी तरह से R&D की जी 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 जी, ठीक है ना जी, क्योंकि ये जो आपने हाँ, बना हाँ, रखे ब्रूडिंग वाले जो केज बनाए हुए हैं जी जी जी, आपने पहले ही तैयार करा? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले सर तैयार कर लिया, क्योंकि कई लोग ब्रूडिंग में नुकसान कर बैठते हैं नए फार्मर, पता नहीं होता जी जी जी, वो ठंडी के चलते होता है वो। जैसे अगले साल में शुरुआत किया था तो यही जनवरी में स्टार्ट किया था, 17 जनवरी को मेरा पहला माल आया था और मैं डाला था, तो एक साथ इकट्ठे बहुत माल आ गए थे अपने, 2000 ये, 1050 ये और 200 नग वो, तो एक साथ उतने एक माल को तैयार करना और नया चीज़, चूँकि अपन नेटवर्क मार्केटिंग में थे, 25-25 बाहर रह के काम किए, तो मुझे लगा है जब इतने बड़े काम बाहर रह के सकते तो अपन यहाँ करना आसान है। अच्छा सर, मेरे पीछे पौंड है ये जी, मतलब फिश फार्मिंग का भी तभी सोचा था या बाद में प्लान बना? नहीं सर, उसी समय सोच लिया था, क्योंकि ये पूरा खेत था जी, तो मैं खेत को भी पटिन करना था जी जी, तो बाहर से मट्टी लाता तो मेरे 4-5 लाख रुपए ऐसे खर्चा हो जाता हाँ। तो मैंने सोचा यही मट्टी को उठा के इसमें डाल दिया जाए और ये अपना ये भी तैयार हो जाएगा और उसकी जो बीट निकलेंगे या कुछ दाना वेस्टेज होंगे वो सारे यहाँ काम आ जाएंगे। तो पहले अपन प्लानिंग कर लिए थे कि फिश फार्मिंग भी अपन करेंगे, पोल्ट्री का भी अपन करेंगे, ऐसा करके पहले से ही प्रोग्राम था इसका, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम जी सर, इसी मिट्टी से आपने अपने फार्म की हाइट बढ़ा दी जी, ऊंचा कर दिया ताकि बरसात का पानी फार्म में अंदर आ जाए, ठीक है, पौंड तैयार हो गया जी, तो मतलब बहुत कम खर्चे में आपने ये कर लिया और प्लानिंग ये सोची कि इन्हीं की बीटों से आपकी फीस भी तैयार जी जी, और वैसे ही हो रहा सर जी। अच्छा, आपकी लैंड होल्डिंग कितनी है सर? यहाँ पे 10 एकड़ है टोटल। एक बड़े काश्तकार कह सकता हूँ मैं हाँ, आपको, दस एकड़ वाला बड़ा ही माना जाता जी, है जी सर। तो पेरेंटल लैंड थी या आपने खरीदी भी? यहाँ पे 4 एकड़ मुझे पूर्व से मिला हुआ था जी, बाकी जो है मैं आजू बाजू खरीद धीरे धीरे करके खरीद रहा था, फ्यूचर प्लानिंग करके रखे, पहले से प्रोग्राम था कि मेरा सपना था कि यहाँ पे 10 एकड़ का मेरा फार्म हो, और वो बन गया, और वो बन गया सर जी। तो जो ये आपके शेड हैं जी, ये किसकी साइज के हैं हाँ, और कितने सेट बनाए हुए जी? जी शुरुआत में मैंने एक ही सेट बनाया था जी, 55x30 का एक सेट बनाया हुआ था जी, फिर बाद में 55x30 का फिर बनाया जी, 55x15 का बनाया जी, फिर उसके बाद 30x15 का बनाया जी, फिर उसके बाद 30x15 का और बनाया जी, और यहाँ पे 30x15 का डबल स्टोरी का रहने के लिए भी मकान यहाँ पे बनाया, मतलब रहने का भी बना दिया हाँ, और अपने फार्म के लिए जी, 4 फार्म के लिए बनाया, रहने के लिए बनाए, और ये हमारे चूंकि यहाँ पे खेत है जी जी, तो बरसात के समय या कोई बारिश हो जाता है फसल के समय तो नुकसान होकर के ये बीच वाला हाल भी मैं
30x20 का अलग से बना दिया। काफी ऊंचा बनाया हुआ है। हाँ जी और बैठने के लिए हम बैठे थे, बहुत अच्छी हवा आ रही है। जी जी जी। यहाँ पे अभी भी मौसम गर्म है, जी जी, सुबह शाम ठंडी होती है, दिन में गर्मी हो जाती है, जबकि दिल्ली में तो अभी बहुत ठंड पड़ रही है। बहुत ठंडी सर, काफी। अच्छा सर ये बताइए, जो बर्ड आप पाल रहे हैं जी, शुरू से फीड में क्या खिलाते हैं आप? जैसे आपकी सोनाली ब्रीड है, जी जी जी, क्या देते हैं इनको? जी शुरुआत में हम लोग प्री स्टार्टर देते हैं जी। इसका देसी का अलग से है जी, आरंग में एक अलग से फार्म है पोषक फिट करके, वहाँ पे बायलर के लिए अलग बनाया जाता है, देसी के लिए अलग बनाया जाता अच्छा। है। अच्छा जी, तो शुरुआती हम लोग 1 डे से लेकर 25 दिन तक जी प्री स्टार्टर देते हैं जी, और 25 दिन के बाद हम लोग स्टार्टर देते हैं जी जी, और वो स्टार्टर के बाद फिर ग्रोअर भी चलाते हैं लोग, लेकिन हम लोग ग्रोअर नहीं चलाते क्योंकि रेट में कोई 50-60 रुपये का अंतर है, लेकिन क्वालिटी आपका प्री स्टार्टर का अच्छा है। अच्छा, इसलिए हम स्टार्टर भी पूरा 90 दिन तक चलाते हैं। जब बर्ड तैयार हो जाता है कितना समय लेता है अंडे पे आने में मुर्गी? वो आता है सर 5 महीने लगता है। 5 महीने जी, जी जी। कितना खर्चा आ जाता है एक बार? 5 महीने में एक मुर्गी हम जैसे खर्चा डाले उसमें तो वो लगभग 6 किलो दाना खा लेता है वो। 6 किलो जी। तो कॉस्ट क्या आ जाती है, चिक्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी लेबर और कॉस्ट, कितने में बर्ड तैयार हो जाता है अंडे तक आने? अच्छा, एक बर्ड जो तैयार होते हैं वो एक बर्ड तैयार होने में लगभग 400 रुपये खर्चा आ जाता है। 400 रुपये खर्चा आ जाता है। अच्छा, अंडे में कैसी है सोनाली ब्रीड? ये तो बहुत बढ़िया सर, 250 अंडे दे देता है ये साल में। साल में? जी जी जी। अच्छा जी, दूसरा सेगमेंट आपका मैं बटेर का देख रहा हूँ, आपने डबल स्टोरी बनाया हुआ। जी हाँ जी हाँ सर, ठीक है जी। ये क्या फंडा बटेर का है मुर्गी के साथ साथ? जी जी, ये बटेर का मैं अलग इसलिए बनाया हूँ क्योंकि हमारे तरफ पहले से ये होता था, मार्केट बनी हुई थी। ये जो है वो केवीके से आया है, महासमुंद से। अच्छा जी, महासमुंद केवीके से इसको लाए थे जी बर्ड को, तो वहाँ से लाके फिर इसको बेचते हैं। ये कितने दिन में अंडा देने लगती है? जी ये 45 दिन में अंडे में आ जाता है। 45 दिन जी में। वैसे अंडा तो ये 35 दिन में आना शुरू हो जाता है कुछ कुछ, लेकिन 45 दिन में आ जाता है। लेकिन इसके जो अंडा है वो फर्टिलाइज अंडा अपन बोले या परिपक्व अंडा बोले, वो 60 दिन में होता है। 60 दिन में जी, 15 दिन का अंडा नहीं डालते उसको, हैच कर सकते हैं। हाँ, 60 दिन के बाद उसको हम हैच कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा ये पौंड है जी, कौन कौन सी मछली डाली हुई है जी? इसमें पहले हम लोग रोहू कतला मृगल डाले थे जी, उसको हम लोग 10 महीने में इसको निकाल के बेच दिए हैं, हार्वेस्टिंग करके बेच दिए हैं। उसके बाद अभी जो है इसमें जी वो जो मछली है वो तेलपिया है जी, और वो पेटली बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में। अच्छा, उसको वो मछली भी डली हुई है। जब आपने हार्वेस्टिंग की थी कैसी रही हार्वेस्टिंग? तो बढ़िया सर, हम लोग लगभग 4 लाख रुपए के माली से बेचे, मतलब इस पौंड से आपने 4 लाख की बेची। जी 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 सर जी जी। अच्छा सर ये जो आपका मॉडल है जी, आप सोनाली पाल रहे हैं जी, आप बटेर पाल रहे हैं, आप मछली भी पाल रहे हैं जी जी, जो मुर्गी वाला मॉडल है आपका, हाँ हाँ, आपका मॉडल है क्या ये? आप अंडा सेल करते हैं या बर्ड सेल करते हैं तैयार करके? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का आपका मॉडल है। जी सर, ये पूरा टोटल इंटीग्रेटेड फार्मिंग है ये जी, है ना। हम लोग यहाँ पे अंडा भी तैयार करते हैं और आधे अंडे को हम मार्केट में बेच देते हैं 15 रुपया ठोक के दर से जी, फिर आधे अंडे को हम हैचरी में डाल देते हैं जी, उससे हम चूजे निकाल लेते हैं। हैचरी में डालने से मतलब हैचरी है? हाँ, हमारे पास हैचरी खुद की है। किस कैपेसिटी की? हमारे पास है 4000 कैपेसिटी की, मतलब अपने लिए बनाई हुई जी, है। जी जी जी। आपके यहाँ से जो अंडा फर्टाइल एग तैयार हो आपको किसी और पर डिपेंड ना करना पड़े, अपने अंडे को आप खुद उससे हैच कराते हैं और चूजे निकालते हैं जी जी। कौन कौन से चूजे निकाल उसमें हम लोग निकालते हैं? कड़कनाथ का निकालते हैं, देसी का निकालते हैं और बटेर का निकालते हैं। ये तीनों निकालते हैं जी जी। अच्छा मार्केट कैसे बनाई आपने? बेसिकली क्या क्या सेल करते हैं आप अपने इस फार्म पे? हाँ देखो, यहाँ पे हम अंडे भी सेल करते हैं जी, और सोनाली का बड़ा करके भी बेचते हैं जी, और चिक्स भी बेचते हैं जी, और बटेर भी बेचते हैं। कैसे कैसे बेचते हैं थोड़ा सा बताइए रेट पे? नहीं नहीं, बेसिकली कितना बड़ा बेचते हैं? नहीं, 1 डे से चालू करते हैं। चाहे बता सकते जी हैं? एक दिन से बेचते हैं, एक दिन का जो हम बच्चे बेचते हैं वो 25 रुपए बेचते हैं गर्मी में जी, अभी हम उसको 27 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, ठंडी के दिनों में जी। और बटेर का है 10 रुपया जी, बटेर के जो चिक्स है वो अंडे का 10 रुपया है जी, और ये जो सोनाली का है वो है अभी एक दिन का जो है वो 27 रुपए का है जी, और कड़कनाथ का एक दिन का 45 रुपए का जी। उसको अलग अलग दिन के, हाँ जी जी, जैसे वो 7 दिन का हो जाता है तो उसका अलग रेट बेचते हैं, ब्रूड करके बेचते हैं। हाँ जी जी जी, कई बोलते हैं कि हमको 21 दिन का ब्रूडिंग का चाहिए। अच्छा, तो 21 दिन वाला ब्रूडिंग करते हैं उसको 80 रुपए बेचते हैं, मतलब तीनों वैक्सीन के साथ। कस्टमर ऑर्डर देता है जी 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 जी, कि भाई मैं हैच ब्रूडिंग नहीं कर सकता, हाँ हाँ, या मैं उसको वैक्सीन नहीं कर सकता जी जी, तो उसको 3 वैक्सीन करके जी ब्रूडिंग करके हम 21 दिन में 80 रुपए में देते हैं, और 1 महीने का होता है तो 100 रुपए में देते हैं। 100 रुपए जी। और ये होलसेल में जो 1000 या 500 नहीं ले जाते हैं जी जी, उसको हम 250 रुपया केजी के हिसाब से देते हैं जी, ढाबा वालों को हम लोग 300 रुपया केजी के हिसाब से देते हैं जी, और रिटेल जो लेने आते हैं 2-1 पीस जो लेने आते हैं उसको 400 रुपया केजी के हिसाब से देते हैं।
कोई काम छोड़ा है आपने? आप चिक्स भी बेच रहे हैं, आप अंडे भी बेच रहे हैं, आप बटेर भी बेच रहे हैं, आप चिक्स की हर कैटेगरी बेच रहे हैं। जी जी जी, मतलब बड़ा एक बहुत सारा दिमाग लगता है इसमें। जी सर, कैसे कर पा रहे हैं जी ये? इसलिए ऐसे कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पहले मैं मार्केटिंग लाइन में था जी, तो मुझे घर से 25-25 दिन बाहर रहना पड़ता था जी, और घर से 25 दिन बाहर रहना 13 स्टेट में काम था जी। तो मैं बोला घर से जब 25 दिन रखे हम बाहर काम कर सकते हैं तो ये तो अपने घर में हम बैठ के कर रहे हैं जी, है ना, तो ये मुझे लगा और ज्यादा आसान है। मतलब अपनी मार्केटिंग के जो अनुभव थे जी जी वो आपके यहाँ काम आ रहे हैं? बिल्कुल सर, 100% काम आ रहा है सर जी। अच्छा सर ये बताइए, जो लोग करते हैं उन्हें मार्केट में प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग करने में जी, आपने कैसे बनाई अपनी मार्केटिंग? जी आप सही सवाल किए सर, क्योंकि यहाँ जितने लोग आते हैं और 95% लोग ये बोलते हैं कि माल बेच नहीं पाते जी जी, तो ये मैं माल डालने से पहले इधर हम सोनाली पालने से पहले मैं दो साल से लगातार स्टूडियो देख रहा था। भाई लोग यही बोल रहे थे कि जो माल बेच पाते हैं वो इस फार्म इस कारोबार में सक्सेस हो, क्योंकि फिक्स मार्केट है नहीं ना। जी जी जी, और हमारे छत्तीसगढ़ में तो और खासकर मैं देखा हूँ कि कोई थोक मार्केट नहीं है इसका, तो माइंड पहले से सेट था कि इसको बेचना है जी, तो बेचा कैसा जाए जी। तो बेचने के लिए मैंने माउथ प्रचार किया, डोर टू डोर प्रचार किया, फ्लेक्स बैनर के द्वारा पंपलेट हाँ जी उसके लिए तैयार किया, और जितने लोकल मार्केट है यहाँ पे 50 किलोमीटर के अंदर जितने लोकल मार्केट है सर, हम लोग शुरुआत में 10-20 पीस लेकर के हम लोग जा के बैठे वहाँ जी। हम ये सोच के नहीं बैठे कि ये माल बिकेगा, हम ये सोच के बैठे थे कि लोग इसको जानेंगे जी, तो लोगों को जानने के लिए लोगों को बताने के लिए हम बैठे। पहले आपने लोगों को अवेयर किया, जागरूक किया जी, उसके बाद आपकी मार्केट बनी जी सर जी। सर ये बताइए आप अभी कितने चिक्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं और कितना अंडा बेच लेते हैं? जी अभी एक महीने का हम लोग 3000 अंडे बेच लेते हैं जी जी, 15 रुपये के दर से जी, और चिक्स हम लोग 1000 चिक्स बेच लेते हैं। 1000 चिक्स जी जी महीने के? जी जी, और छोटा बड़ा बर्ड 2000 बड़ा बर्ड बिक जाता है हमारा, बटेर और बटेर 2000 नग बटेर बिक जाता है, इतना सेल कर? हाँ इतना सेल हो जाता है सर। तो इतना करते हैं, वर्कर कितने हैं आपके यहाँ? वर्कर एक है सर मेरे पास, एक वर्कर है और आप? एक पोल्ट्री के लिए एक है और मैं हूँ जी जी। तो सर सबसे बड़ा सवाल, इतना कुछ आप बेच रहे हैं जी, कमाते कितना है और प्रॉफिट कितना है? इस इंटीग्रेटेड कर रहे हैं आप, फिश भी पाल रहे हैं जी जी जी, और बटेर भी है, अंडे भी बेच रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं जी सर। जी सर कमाते कितना है? सही सवाल है आपका, क्योंकि सारे पे डिपेंड होता है पैसा जी, है ना भाई, कि लोग चाहते हैं कि पैसा मिले तो उस कारोबार को करें, लेकिन शुरुआत में पैसा नहीं मिलता, भूखे भजन ना होए को माला चाहे ले लो कंठी माला जी, ठीक है, तो बोलते हैं शुरुआत में पैसा नहीं मिलता। मैं भी जब पहला बेच डाला था मुझे 1 रुपया नहीं मिला था जी, मैंने मूलधन में माल बेचा था शुरुआत में, नो प्रॉफिट नो लॉस जी जी। पहला बेच में जो डाला था मैं पहले ही माइंड सेट कर लिया था कि इसको हम प्रॉफिट नहीं लेंगे जी, लोगों को ऐड करेंगे, प्रचार करेंगे, बेचेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपने कमाई का दूर का सोच कर रखा था कि लोगों को अवेयर करना, रेट टू रेट बेचना जी 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 जी। नहीं सर होता है, ये 2 दिन का काम नहीं है, इसको लंबा काम करना है तो उसके लिए लंबे समय के लिए सोचना पड़ता है, 5 साल के लिए प्लानिंग करो तभी जाके कारोबार करो, उसमें कई बार उतार चढ़ाव आएगा उसको झेलेंगे। तो रहा सवाल पैसे का, तो अभी 1 साल कंप्लीट हो चुका है फार्म, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मुझे लगभग अराउंड ऐसे इनकम व्यापारी माल कितने का बेच लेते हैं महीने में पहले तो ये बताइए? जी जी लगभग 6 लाख रुपए का माल में बेच लेता हूँ। 6 लाख का जी, और प्रॉफिट कितने परसेंट? अभी इसमें 30% मार्जिन है सर। 30% जी जी जी। तो क्या अर्निंग हुई? ये लगभग 2 लाख के आसपास। 2 लाख कर लेते हैं जी 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 सर। एक अच्छा प्रॉफिट है, 1 साल में अगर 2 लाख पे आ गए आप, बड़ी अच्छी बात है। फ्यूचर प्लानिंग क्या आपकी? हाँ जी सर, फ्यूचर प्लानिंग है कि इस कारोबार को और बड़ा करना है जी। मैं तो तैयारी ऐसा है कि मैं शुरुआत में जब इसको हम लोग डायग्राम बनाए थे जी, मैं घर में बैठ के इसका डायग्राम बनाया था, तो मैं सोचा था 1 साल में 1 लाख रुपए इनकम होना चाहिए, जब वो तो 12 रुपए आ गए। जी जी सर, वो सब आप लोगों की सबके आशीर्वाद है जी, है ना, तो बोले हम प्लानिंग किए थे कि 1 साल में 1 लाख में जाना है जी, 2 साल में 2 लाख तक पहुँचना है, 3 साल में 3 लाख, और 5 साल होते होते 5 लाख रुपए महीना का इनकम आना चाहिए। आपकी जंबो जेट जी जी सही चल रहा है जी सर, वो प्लानिंग के हिसाब से काम किए थे, क्योंकि कोई भी कारोबार करेंगे सर बगैर प्लानिंग का काम नहीं होता, है ना, और प्लानिंग रहता है तो आप दूरदर्शिता हो सकते हैं। संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ सर, बहुत खुश हूँ मैं। जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं जी, रुचि रखते हैं, करना चाहते हैं जी, जी, एक मैसेज दीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छा तजुर्बा हो गया और आपका आत्मविश्वास आपके चेहरे पर झलक रहा है जी सर, और जब पैसे आते तो आत्मविश्वास खुद ही आ जाता है, जाहिर सी बात है। मैसेज दीजिए कि वो क्या करें जी सर। नहीं बढ़िया कारोबार है, ये कारोबार बढ़िया है, छोटे रूप में शुरुआत करें, अपने आजू बाजू के मार्केट को सर्च करें जी, और इसके बारे में नॉलेज लें जी, क्योंकि बगैर नॉलेज का आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो ब्रूडिंग में परेशानी आएगी, नॉलेज नहीं लेंगे आप तो आपको मार्केटिंग में परेशानी आएगी, आप बगैर नॉलेज का काम करेंगे तो बहुत परेशानी मिलेंगे। दूसरी बात है, इस बिजनेस में 3 चीज़ का होना बहुत जरूरी है, या कोई भी कारोबार करें, सबसे पहले तो आपके पास पैसे होना चाहिए जी, दूसरा चीज आपके पास जो लगन है, हाँ, आत्मविश्वास है, डेडिकेशन वो होना चाहिए, वो तीसरा चीज आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जी,
धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपके पास धैर्य ही नहीं है तो इस बिजनेस में टूट जाएंगे जी। क्योंकि मैं बहुत सारे किसान भाइयों को देखा हूँ, थोड़ा पैसा लेके कारोबार करते हैं, एक दो बार लॉस हुआ तो कारोबार को बंद कर डालते हैं जी। या वो अनाप शनाप रेट में माल को बेचते जी, हैं जी, जी। मैं देखा हूँ अभी सावन का महीना आया था, लोग पाल लिए थे, चारे के लिए पैसे नहीं थे, वो 175 रुपये किलो में तैयार किए और उसने 175 रुपये किलो मार्केट में बेच दिया उसको और फार्म को बंद कर दिया जी, जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टोटली नुकसान रहा। हाँ बिल्कुल सर, जो नुकसान सेड बनाया वो तो नुकसान में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली ये बात है कि नॉलेज ले, है ना। दूसरी बात है मार्केट सर्च करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा के रखें और धैर्य बनाए रखें, तभी जाके इस कारोबार में सफलता मिल सकती है। दर्शकों, वर्मा जी ने आपको फिश फार्मिंग, बटेर फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग सबकी बारीकियां बताई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पहले अपनी मार्केट सर्च करें, आप बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे उसके हिसाब से तैयार करें। आप प्रोडक्शन कर लेते हैं, बर्ड नहीं बेच पाते हैं तो वो नुकसान है, क्योंकि देसी बर्ड की कोई फिक्स मंडी नहीं है, मार्केट आपको बनानी पड़ती है, लोगों को जागरूक करना पड़ता है। ये थे हमारे साथ में जयलाल वर्मा जी, जिन्होंने आपको अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जाए जाए शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। जय किसान।